गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हम फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए. और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इतने लार्ज नंबर में अवेलेबल, चाहे वो फंजाई हो या एल्गी हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको जानने के लिए हम तब तक उनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उनको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं रखें. तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कोई भी प्लांट को, चाहे वो फंजाई हो या एल्गी हो, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज करने के बाद ही उनकी स्टडी करने में आसानी हो जाती है. ये इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन की, अपनी कन्वीनियंस क्लासिफिकेशन बनाया है. और इस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी, अगर हम फंजाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी ऑफ फंजाई कहते हैं. और जो लोग फंजाई की टैक्सोनॉमी में काम करते हैं या क्लासिफिकेशन में के एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम फंगल टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं. तो टैक्सोनॉमी के बारे में आज हम फंजाई की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जितने भी फंजाई आगे पढ़ेंगे, जब तक हमें उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन की, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये मालूम नहीं होगा, तो उनको हैफ हैजर्ड करने में हमको बहुत मुश्किल होगी. इस वजह से क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंस है. फंजाई का क्लासिफिकेशन के लिए हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है. आज जो हम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं फंजाई की स्टडी के लिए, वो इतने सालों की रिसर्च के बाद जो लोगों ने अपने अपने क्लासिफिकेशन अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आगे दिए थे, उसमें से कुछ क्लासिफिकेशन बहुत प्रचलित हुए. और अब जो हम क्लासिफिकेशन फंजाई का यूज़ करते हैं अपनी किताबों में, वो कई सालों के मेहनत के बाद उनको इस्टेब्लिश हमने किया है. तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 1623 सन से शुरू हुई है, जिसमें कि बोहिन ने 100 स्पीसीज फंजाई, उन्होंने अपनी एक किताब पिनेक्स थ्रेटाई बोटानिका में उन्होंने 100 स्पीसीज फंजाई की मेंशन की थी. तो सबसे पहले जो इसकी हिस्ट्री आई है वो बोहिन के थ्रू 100 फंजाई के बारे में बताया गया. उसके बाद कई सारे ऐसे बॉटनिस्ट थे जिन लोगों ने फंजाई को आइडेंटिफाई किया और अपने उनकी डिटेल्स अपनी किताबों में दी, जिसमें बड़े इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहे लीनियस, सबने नाम सुना होगा इनका. 1753 में इन्होंने फंजाई को 24th क्लास माना. क्रिप्टोगेमिया एक ग्रुप उन्होंने बनाया जिसका 24th क्लास के अंदर इन्होंने फंजाई को रखा. और इसको मेंशन उन्होंने अपनी एक बड़ी फेमस किताब जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटरम, सब लोगों ने सुना होगा. ये बहुत जनरल नॉलेज की भी बात है कि लीनियस की कौन सी किताब सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी. उन स्पीसीज प्लांटरम में उन्होंने फंजाई को 24th क्लास माना क्रिप्टोगेमिया का. उसके बाद कई माइकोलॉजिस्ट ने इनको डिस्क्राइब किया अपने क्राइटेरिया के हिसाब से. क्राइटेरिया सारे लोगों की थिंकिंग फ़र्क होती है. कुछ लोग मॉर्फोलॉजी के बेस पर अपना क्लासिफिकेशन देते हैं, कुछ लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर देते हैं, कुछ लोग दो तीन तरह के क्राइटेरिया लेते हैं. तो कई सारे टैक्सोनॉमिस्ट, फंगल टैक्सोनॉमिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन अपने हिसाब से दिए, जिसमें कुछ नाम बड़े फेमस थे. 1801 में परसून एंड एलिस ने इनको क्लास, ऑर्डर और फैमिलीज में अरेंज किया. सबसे पहले तो लीनियस ने 100 फंजाई बोहिन के बाद लीनियस ने इनको 24th
क्लास माना क्रिप्टोगेमिया का. उसके बाद जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो परसून का और एलियास फ्राइज का मिलता है, जिन्होंने उनको क्लासेस, ऑर्डर्स और फैमिलीज में डिस्क्राइब किया. फिर सकार्डो का बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसके क्लासिफिकेशन के लिए, फंजाई के क्लासिफिकेशन में, जिन्होंने 1882 में उन अपने सिलोज फंगोरम नाम की जो किताब है उसमें फंजाई को शाइजोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फॉर्म क्लास मिक्सोमाइसिटीज में उन्होंने डिस्क्राइब किया. उसके बाद कुछ लोग और भी आगे आए जिन्होंने, जो टेक्सोनोमिस्ट, फंगल टेक्सोनोमिस्ट थे, जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन फंजाई के अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से दिए, जिनमें प्रमुख नाम है गोइन वोगन 1926, गोमेन एंड डॉज, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, 1928, फिट्ज़पैट्रिक 1930, मार्टिन 1936, बेसी 1950, स्पैरो बड़े इम्पोर्टेंट माइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, एलेक्सोपोलस जिनकी किताब भी आज भी फेमस है, एलेक्सोपोलस, हॉकर एंड आइंसवर्थ. आइंसवर्थ ने अपनी क्लासिफिकेशन को कई बार मॉडिफाई किया, 1966 में पहला क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद 71 में और उसके बाद फिर 73 में उन्होंने फाइनल अपना और क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया. और एलेक्सोपोलस ने फिर मिम्स बॉटनिस्ट के, जिनका नाम मिम्स था, उनके साथ मिलके 1979 में एक और नया क्लासिफिकेशन दिया. जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, पहले वाले क्लासिफिकेशन थे, वो उनके उन्होंने अपने क्राइटेरिया लिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन. कोई ना कोई क्राइटेरिया लिया जाता है जब कोई भी जीनस को हम डिस्क्राइब करते हैं. आपको भी अगर कहीं किसी पॉन्ड में कोई फंगस मिलता है तो आप उसको लेबोरेटरी में लाएंगे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसके क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे. क्राइटेरिया से मतलब क्या है कि उसका थैलस किस तरह का है, वो देखने से फंगस किस तरह का है, उसकी सेल वॉल किस तरह की बनी है, सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, क्या सेलुलोज की बनी है, क्या काइटिन की बनी है. ये सारे क्राइटेरिया जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे उसमें ये इम्पोर्टेंट माने गए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आया. सेल वॉल कंपोजिशन यूनिसेल्युलर माइसीलियम या यूनिसेल्युलर है कि या माइसीलियल फॉर्म है या सेप्टेट है या एसेप्टेट है, जिसके बेस पर हम आज भी फंजाई को क्लासिफाई करते हैं. दूसरा क्राइटेरिया उन दिनों ये था कि फंजाई में क्या एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं या कोनिडिया हैं या जू स्पोर्स हैं, और किस तरह का उनमें सेप्टेशन है, वो उनका फॉर्म कैसा है, शेप कैसा है. ये एसेक्सुअल स्पोर्स का शेप, साइज, कलर और सेप्टेशन, ये जो ये क्राइटेरिया थे ये बड़े इम्पोर्टेंट थे किसी भी फंगस का क्लासिफिकेशन करने के लिए. तीसरा क्राइटेरिया अर्लियर क्लासिफिकेशन में लिया गया था काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया कितने तरह के स्पोरेंजिया थे, किस तरह का स्पोरेंजियम है. उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरियम था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे आज भी हम उन सारे फंजाई को जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है लेकिन उनकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज से मिलती जुलती हैं, उनको एक हम एक्स्ट्रा क्लास में इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज. तो उस जमाने में भी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्लियर क्लासिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था. उसके बाद लाइफ साइकिल बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया लिया गया, जिसमें कि किस तरह की लाइफ, क्या सिर्फ एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है या हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल है या डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है या हैप्लोडिप्लोंटिक है. अब हम हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल से मतलब क्या है कि अगर लाइफ साइकिल का मेजॉरिटी पार्ट हैप्लॉइड है,
जो डिप्लॉइड पार्ट है बहुत बहुत शॉर्ट है, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो है जिसमें कि पूरी फंगस की पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड पार्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लेकिन पूरा लाइफ साइकिल उसकी डिप्लॉइड मोस्टली होती है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। हैप्लो डिप्लॉन्टिक से तात्पर्य यह है कि आधी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है, आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड है। तो ये क्राइटेरिया बड़े इम्पॉर्टेंट थे क्लासिफिकेशन के लिए। और भी कई क्राइटेरिया आज हम यूज़ करते हैं, जैसे हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं कोई भी फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, उसका होस्ट स्पेशलाइजेशन देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पक्सीनिया है तो इसका होस्ट कौन सा है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके उसके उसमें वो इन्फेक्शन होता भी है कि नहीं होता है। तो होस्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद जेनेटिकल, आज की डेट में हम जेनेटिक स्टडी भी बहुत करते हैं, जिसमें हम जेनेटिक क्राइटेरिया भी लेते हैं, साइटोलॉजिकल भी लेते हैं और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है कि अगर हम उसके रिएक्शन देखेंगे, एक फंगस हमें मिला है उसका अगर हम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलता है कि उसका रिएक्शन किसी केमिकल के साथ कैसा होता है। ये सारे कैरेक्टर्स हम आज क्लासिफिकेशन में लेते हैं। अर्लियर जो माइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बैक्टीरिया को भी थैलोफाइटा में रखा था। शुरू में लोगों ने अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, कुछ माइकोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया को भी थैलोफाइटा में रखा था और फंजाई के साथ रखा था, लेकिन अब मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट को ये बात पता चल गई है कि बैक्टीरिया को एक्सक्लूड करना चाहिए फंजाई से, क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक उनका स्ट्रक्चर है, इसलिए बैक्टीरिया को फंजाई के साथ क्लासिफिकेशन उसका सूटेबल नहीं लगता है। लेकिन पुराने क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया फंजाई के साथ शामिल किया गया था कुछ क्लासिफिकेशंस में। जैसे कि हमने एल्गी के केस में पहले कभी देखा था कि हमेशा कोई भी फंगस को अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर बना है, ICBN जिसको कहते हैं, इसके क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये ऐसे इसके सेट रूल्स हैं जिसमें कि हम कोई भी फॉर्मल बोटैनिकल नेम देने से पहले उनका उसके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और कुछ हमें सफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। अगर आपको भी कोई फंगस मिलता है तो हम उसको अपनी मर्जी से ही क्लासिफाई नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उसका पहले डिवीजन बनाना होगा कि क्या वो फंगस है। अगर वो फंगस है तो उसको हमें माइकोटा में रखना पड़ेगा, डिवीजन का हमेशा सफिक्स कोटा आगे से लगना जरूरी है। सब डिवीजन अगर है तो हमें टिना लगना जरूरी है, सफिक्स टिना पीछे से लगना जरूरी है, माइकोटिना। जहां पर माइकोटिना वर्ड आता है इसका मतलब है ये डिनोट कर रहा है सब डिवीजन। उसी तरह से अगर आप क्लास की बात करते हैं तो सिटीज अगर आप पीछे से लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लास की बात कर रहे हैं। जैसे जाइगोमाइसिटीज अगर हमने कहा तो जाइगोमाइसिटीज का मतलब है हम क्लास की बात कर रहे हैं। फिर सब क्लास है DAE, माइसिटीडी, DAE लगना पीछे से सफिक्स जरूरी है। सब क्लास के लिए हमेशा हम TIDAE सफिक्स जरूर लगाएंगे। ऑर्डर में हमेशा एल्स जरूर लगता है, जैसे कोई भी हम ऑर्डर को डिस्क्राइब करेंगे उसके पीछे सफिक्स एल्स लगना जरूरी है। फैमिली पक्सीनियेसी फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं तो एसी लगना जरूरी है। तो ये जो रूल्स बनाए हुए हैं ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। कोई भी नया जीनस है उसको इसके रूल्स के हिसाब से जीनस को क्लासिफाई किया जाता है।
फंजाई का क्लासिफिकेशन सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं जिनको यहाँ बताना संभव नहीं है, ना याद रखना आप लोगों के लिए संभव है। कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो हैं, 1950 में बेसी ने क्लासिफाई किया फंजाई को, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, माइसिटोजोआ एंड ट्रू फंजाई। माइसिटोजोआ के अंदर उन्होंने उन फंजाई को रखा जो जिनमें की जो कि ट्रू फंजाई नहीं माने गए, जिसमें कि प्लांट बॉडी प्लियोमॉर्फिक थी, वो फिक्स नहीं थी, प्लाज्मोडियम के फॉर्म में थी, उसमें सेल वॉल बहुत डेफिनेट नहीं थी, तो उन्होंने उन सारे ऑर्गेनिज्म को माइसिटोजोआ में रख दिया। दूसरा ग्रुप उन्होंने फंजाई का बनाया ट्रू फंजाई, जो कि बिल्कुल ट्रू फंजाई की तरह से थे, उनको भी उन्होंने क्लासिफाई किया लोअर फंजाई और हायर फंजाई में। लोअर फंजाई के अंतर्गत उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने कहा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई में रखा है, और जो दूसरा है कैप्रोमाइसिटीज जो है वो उन्होंने हायर फंजाई उसको दिया। अब ये वाला ग्रुप जो है हायर फंजाई का, इसको फिर बेसी के हिसाब से तीन क्लासेस में इन्होंने बांटा। पहला क्लास है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और तीसरा फंजाई इम्परफेक्टाई। तो ये क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, ये बेसी ने 1950 में, जो कि बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है, अब कोई फॉलो इसको नहीं करते हैं क्योंकि नए नए क्लासिफिकेशन आ गए हैं। 1955 में जी एम स्मिथ, अ वेरी फेमस माइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया उसमें फंजाई को 7 क्लासेस में डिवाइड किया। लेकिन ये 7 क्लासेस में डिवाइड करने से पहले फंजाई को इन्होंने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया। पहला डिवीजन था मिक्सो माइकोफाइटा, दूसरा यू माइकोफाइटा। इन्होंने फाइटा पीछे से सफिक्स को यूज़ किया 1955 में। मिक्सो माइकोफाइटा में इन्होंने क्लासेस बनाए 3 क्लासेस, मिक्सोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, अक्रेसिएसी। इसके बाद इन्होंने जो यू माइकोफाइटा बनाया, इसमें फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी एंड ड्यूटेरोमाइसिटी। तो इसमें इन्होंने फाइकोमाइसिटीज में जो फंजाई रखे वो लोअर फंजाई रखे, सारे सैक फंजाई जो बैक की तरह से दिखाई पड़ते थे उनको एस्कोमाइसिटीज में रखा, क्लब फंजाई इन्होंने सब बेसिडियोमाइसिटीज में रखे, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में इन्होंने इम्परफेक्ट फंजाई को रखा जिनमें की सेक्सुअल स्टेजेस अननोन थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आया एलेक्सोपोलस का 1962 में, जिन्होंने डिवीजन बनाया माइकोटा, सारे फंजाई को माइकोटा डिवीजन में रखा। माइकोटा डिवीजन के इन्होंने 2 सब डिवीजन बनाए, जिसमें एक सब डिवीजन है मिक्सो माइकोटिना। इन्होंने टिना सफिक्स यूज किया सब डिवीजन के लिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए। और दूसरा जो सब डिवीजन बनाया वो यू माइकोटिना बनाया। मिक्सो माइकोटिना के अंतर्गत इन्होंने मिक्सोमाइसिटीज एक ग्रुप को रखा, जिसमें जो कि ट्रू फंजाई की तरह से नहीं थे, जिसमें कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लाज्मोडियम, ट्रू सेल वॉल नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके कंट्रास्ट में यू माइकोटिना में इन्होंने कई सारे 8 क्लासेस बनाए, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन माना गया एलेक्सोपोलस का, और काफ़ी लोगों ने इसको फॉलो भी किया। आइंसवर्थ ने 1973 में, वेरी इम्पोर्टेंट ईयर एंड वेरी इम्पोर्टेंट फंगल टेक्सोनोमिस्ट, आइंसवर्थ का क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस हुआ, जिसमें किंगडम फंजाई को इन्होंने डिवाइड किया 2 डिविजन्स में। इनके 2 डिवीजन थे मिक्सो माइसिटीज एंड यू माइसिटीज। यू माइसिटीज को इन्होंने डिवाइड करा कई सारे डिवीजन्स में, जिसमें कि मैस्टिगो माइकोटिना, एस्को माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना
एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। साथ ही इन्होंने जो मिक्सोमाई सिटीज था इसको डिवाइड करा, अक्रेसियोमाई सिटीज, हाइड्रो मिक्सोमाई सिटीज, मिक्सोमाई सिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाई सिटीज। तो ये क्लासिफिकेशन काफ़ी दिनों तक चलता रहा, आज भी चलता है। इस क्लासिफिकेशन में मैस्टिगोमाइकोटिना जो इन्होंने ग्रुप बनाया आइंसवर्थ ने, इस मैस्टिगोमाइकोटिना को इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया। इसके क्लासेस थे काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। उसी तरह से जो सब डिविजन जाइगोमाइकोटिना बनाया उसको जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज में डिवाइड करा। सिमिलरली एस्कोमाइकोटिना जो बनाया उसको हेमी एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, पायरेनोमाइसिटीज, लेबल बेनियोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज एंड लॉकिलो एस्कोमाइसिटीज, इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। इन सब के कैरेक्टर्स इन्होंने एक एक या दो दो कैरेक्टर से इनको डिस्टिंग्विश किया, जो अभी आप आगे देखेंगे। इसके बाद बेसिडियोमाइकोटिना जो सब डिविजन बनाया, बेसिडियोमाइकोटिना सब डिविजन में टीलियोमाइसिटीज, होमोबेसिडियोमाइसिटीज एंड गैस्ट्रोमाइसिटीज में इसको इन्होंने डिवाइड किया। उसी तरह से ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है वो ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड सिलोमोमाइसिटीज में डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन जो आइंसवर्थ का था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बेस्ड क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था। और फंजाई को इन्होंने सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस में डिवाइड किया। पहला जो एब्सेंस सेल वॉल एब्सेंट थी उसमें इन्होंने वॉललेस जो थे उनको मिक्सोमाइकोटा में रखा, और जिसमें वॉल थी उनको उन्होंने यू माइकोटा या ट्रू फंजाई कहा। माइकोटा के अंतर्गत ये डायग्राम के थ्रू आप देख रहे हैं, जिसमें एसिमिलेटिव फेज जो प्लांट बॉडी है वो फ्री लिविंग है, अमीबा की तरह से है, जिसमें जो कि प्लियोमॉर्फिक है, जो अपना शेप और साइज बदलती रहती है। स्यूडोमाइसिलियम इसमें बनता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था ये एक्रेसियोमाइसिटीज का इन्होंने कैरेक्टर दिया। मिक्सोमाइकोटा का जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोमाइसिटीज कह रहे हैं, इसमें एसिमिलेटिव फेज जो होती है, एसिमिलेटिव फेज से मतलब है जो फ्री लिविंग हमें फेज दिख रही है वो एक प्लाज्मोडियम के फॉर्म में है, नेट प्लाज्मोडियम, जिसमें कि नेटवर्क प्लाज्मोडियम का दिखाई पड़ता है। और एसिमिलेटिव फेज अगर नेटवर्क नेट प्लाज्मोडियम के फॉर्म में नहीं है, सेप्रोफाइट के फॉर्म में है, तो ऐसे ग्रुप को उन्होंने मिक्सोमाइसिटीज में रखा। और लास्ट में जो प्लाज्मोडियो फोरोमाइसिटीज को डिस्क्राइब किया उसमें एसिमिलेटिव जो फेज थी वो नेट प्लाज्मोडियम नहीं थी बल्कि पैरासिटिक थी। तो अगर सेप्रोफाइट थी तो उसको मिक्सोमाइसिटीज में रखा, अगर पैरासाइट थे ऑर्गेनिजम्स तो प्लाज्मोडियो फोरोमाइसिटीज में रखा। इसमें ट्रू सेल वॉल एब्सेंट थी, प्लांट बॉडी प्लाज्मोडियम के फॉर्म में थी या स्यूडो प्लाज्मोडियम के फॉर्म में थी। तो ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ये आज भी कई किताबों में यही क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। यू माइकोटा के अंतर्गत जितने भी इन्होंने डिविजन्स बनाए, मैस्टिगो माइकोटिना, जाइगो माइकोटिना, एस्को माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना एंड ड्यूटेरो माइकोटिना, इन सब के कैरेक्टर्स इन्होंने डिस्क्राइब किए। मैस्टिगो माइकोटिना के अंतर्गत वो सारे फंजाई को इंक्लूड किया जिसमें कि सेल्स मोटाइल थी, यानी कि उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट थे। उसके अलावा ज़्यादातर जो फंजाई थे इसमें इंक्लूड किए हुए वो सारे फंजाई फिलामेंटस फंजाई थे। सिनोसिटिक माइसिलियम था, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जिसमें थी। तो इसका मतलब है मैस्टिगो माइकोटिना के अंतर्गत आने वाले सारे फंजाई लोअर फंजाई कहलाते हैं, जिसमें सिनोसिटिक माइसिलियम है। जाइगो माइकोटिना के अंतर्गत इन्होंने जिन फंजाई को इसमें डाला उसमें मोटाइल सेल्स एब्सेंट थी, जबकि मैस्टिगो माइकोटिना में मोटाइल सेल्स प्रेजेंट थी। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल, इसमें ज़्यादातर फंजाई टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोपस, जो कि सेप्रोफाइट्स की तरह से रहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो
माइसीलियम है, एसेप्टेट माइसीलियम है, जो परफेक्ट स्टेज जो होती है वो स्पोर्स या जाइगोस्पोर्स के फॉर्म में है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमेशा स्पोरेंजियोस्पोर्स से होता है इस ग्रुप में। एस्कोमाइकोटिना, पेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये तीनों ग्रुप जो हैं दे आर कंसिडर्ड हायर फंजाई, क्योंकि इनके कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे इनमें सेक्सुअलिटी डीजेनरेट हो रही है, देयर इज अ रिडक्शन, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी, बट लेकिन बाकी इनकी प्लांट बॉडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एस्कोमाइकोटिना को हम कॉमनली सैक फंजाई भी कहते हैं। थैलस इसमें हमेशा सेप्टेट होता है, जो थैलस है प्लांट बॉडी सेप्टेट है, अनलाइक मेस्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना की तरह। और सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स हैं, जो कि एंडोस्पोर्स की तरह से रहते हैं इनसाइड ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। तो एस्कोमाइकोटिना का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर एस्कस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कंट्रास्ट में हम बेसिडियोमाइकोटिना को देखते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना में एस्कस के बदले एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बेसिडियम, और इस बेसिडियम हीज का, ये जो बेसिडियम है ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसको जिसके ऊपर एक्सटर्नली चार, यूजुअली चार बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। ये फंजाई भी जो कि बेसिडियोमाइकोटिना को बिलोंग करते हैं, ये भी फिलामेंटस फंजाई हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेप्टेट फंजाई हैं, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि फ्लैशी भी होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। ये हमेशा बेसिडियोस्पोर्स हमेशा इसमें एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत वो सारे फंजाई इंक्लूडेड हैं जिसमें कि फंजाई में इम्परफेक्ट स्टेज, ओनली परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट, इम्परफेक्ट स्टेज इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो सेप्टेट माइसीलियम है, इम्परफेक्ट स्टेज से मतलब है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल स्टेजेस माने परफेक्ट स्टेजेस आर ऑलवेज एब्सेंट और नॉट नोन। परफेक्ट स्टेजेस हमेशा एब्सेंट होंगी। वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर इन ड्यूटेरोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना को अगर हम देखेंगे, मेस्टिगोमाइकोटिना में मोटाइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मोस्टली फिलामेंटस हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम है, परफेक्ट स्टेज हमेशा स्पोर्स होंगी इसमें, या ऊस्पोर्स प्रेजेंट होगा सेक्सुअल स्टेजेस में। इसको डिवाइड किया है तीन डिविजन्स में, काइट्रिडियोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज एंड हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। इसमें काइट्रिडियोमाइसिटीज जो ग्रुप है वो काफ़ी लोअर फंजाई माने जाते हैं। इनका जिक्र हमने पहले भी किया था, क्योंकि ये कॉमनली इनको हम काइट्रिट्स कहते हैं, और इसमें जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि सिंगल पोस्टीरियर फ्लैजलम होता है। जब हम फ्लैजलम का जिक्र करते हैं तो इसका एग्जांपल देते हैं कि सिंगल पोस्टीरियर पेप्लैश टाइप का फ्लैजलम है। ज़्यादातर इसके इस ग्रुप में आने वाले फंजाई ये एंशियंट टाइप के फंजाई हैं, और कुछ पैरासिटिक फंजाई भी इसमें होते हैं। हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज जो ग्रुप है, जूस्पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें एंटीरियर टिंसल फ्लैजलम होता है। टिंसल से मतलब है कि हेयरी फ्लैजलम होता है, जबकि काइट्रिडियोमाइसिटीज में पोस्टीरियर विप्लैश है, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज में एंटीरियर टिंसल फ्लैजलम है। ऊमाइसिटीज के अंतर्गत वो फंजाई हैं जो कि फिलामेंटस हैं, जूस्पोर्स बाईफ्लैजलेट हैं, एक टिंसल एक विप्लैश फ्लैजलम होगा, या थोड़ा वेरिएशन इसमें हो सकता है, पोस्टीरियर विप्लैश एंटीरियर टिंसल होता है। सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ऊमाइसिटीज का, क्योंकि हम फंजाई के केस में देखते हैं कि सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ काइटिन, लेकिन ये ग्रुप ऐसा है, ऊमाइसिटीज एक ऐसा एक्सेप्शनल ग्रुप है जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फंजाई के केस में, कि इसका एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें कि अनलाइक अदर ग्रुप्स
सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, वो है ओमाइसिटीज का क्लास का ग्रुप. अब जाइगो माइकोटिना हम सब डिवीजन को अगर देखें तो ये दो में डिवाइड किया है, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज. जाइगोमाइसिटीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि जाइगोमाइसिटीज के अंदर म्यूकर और राइजोपस सेप्रोफिटिक फंजाई आते हैं जो कि सेप्रोफाइट्स की तरह से रहते हैं, और कुछ इसमें पैरासिटिक फंजाई भी हैं. मेजॉरिटी दे आर सेप्रोफाइट जो कि अपना खाना डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से डिराइव कर लेते हैं. थैलस इसमें सिनोसिटिक हाइफी के फॉर्म में होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर्स के तरह से होता है. स्पोरेंजियोस्पोर्स आपको मालूम है कि दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू इसमें होता है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन या कंजुगेशन के थ्रू होता है, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो जाइगोस्पोर कहलाते हैं. ट्राइकोमाइसिटीज वो ग्रुप है जो कि जनरली एसोसिएटेड होते हैं आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स से एसोसिएटेड ग्रुप है, और इसके इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है जितना हमने देखा है जाइगोमाइसिटीज की स्टडी हुई है. ट्राइकोमाइसिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई इंक्लूडेड नहीं है, इसमें वही फंजाई इंक्लूडेड हैं जो कि आर्थ्रोपोड से एसोसिएटेड हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं. ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड इनका थैलस होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आर्थ्रोस्पोर से, जिनको हम ओइडिया भी कहते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर से होता है. कभी कभी इसमें ट्राइकोस्पोर्स एक्सोजिनस स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं. एस्कोमाइकोटिना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और लार्ज नंबर ऑफ फंजाई दे बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना. कई सारे ऐसे भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फंजाई हैं जो कि एडिबल हैं या मेडिसिनली इंपॉर्टेंट हैं या इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट हैं, या दे आर पैरासिटिक या डिजीज कॉजिंग फंजाई हैं, वो एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं. इसलिए ये ग्रुप हायर फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है. इसको कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला क्लास है हेमी एस्कोमाइसिटीज. हेमी मीन्स हाफ. इसका नाम हेमी एस्कोमाइसिटीज क्यों दिया गया, क्योंकि जो एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स हैं ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं करते हैं. इस ग्रुप के अंदर आने वाले फंजाई एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकते, फिर भी इनको एस्कोमाइकोटिना के अंदर रखा है, क्योंकि इसके केस में भी जो कैरियोगेमी है वो डिलेड हो जाती है और सिंपल टाइप का इसमें एसआई बनते हैं. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर हम इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट यीस्ट को इंक्लूड करते हैं, जो सैक्रोमाइसिस है उसको इंक्लूड करते हैं. एस्कोकार्प्स इसमें एब्सेंट होते हैं. एस्कोकार्प क्या स्ट्रक्चर है, जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज हैं उनको एस्कोकार्प्स कहा जाता है, वो हेमी एस्कोमाइसिटीज में एब्सेंट हैं. और इसके केस में जो थैलस है वो माइसीलियल होगा या एक सिंपल सेल के फॉर्म में माइसीलियम होता है. और रिप्रोडक्शन इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हेमी एस्कोमाइसिटीज में फिशन या बडिंग के फॉर्म में के थ्रू होता है. लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज दूसरा क्लास है इसका. इसमें इस ये वाले ग्रुप के अंदर आने वाले फंजाई इसमें हमेशा जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, और एसआई इसमें बाईट्यूनिकेट एसआई होते हैं. बाईट्यूनिकेट एक नया टर्म है. बाईट्यूनिकेट से मतलब क्या है कि जो एस्कस है, जो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये दो लेयर्स का बना हुआ होता है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर. और जिस समय ये एस्कस रप्चर होता है आउटर लेयर वहीं पर रह जाती है, इनर लेयर बाहर निकल के आ जाती है. तो ऐसे एसआई जिसमें दो लेयर्स से बना हुआ दो लेयर्स की सेल वॉल होती है, और एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर्स इनर लेयर बाहर की तरफ आ जाती है, तो ऐसे एसआई को हम बाईट्यूनिकेट एसआई कहते हैं. हाइफी इसमें प्रेजेंट होते हैं लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज में, और थैलस जो है वो माइसीलियल है. प्लेक्टोमाइसिटीज एक दूसरा इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जिसमें कि एसआई जो हैं वो यूनिट्यूनिकेट हैं. अब हम इसके कंट्रास्ट में लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज के
कंट्रास्ट में यहाँ पर हम एक नया टर्म यूनिटूनिकेट यूज कर रहे हैं। यूनिटूनिकेट एसआई वो एसआई हैं जिसमें एस्कस की सेल वॉल दो लेयर्स की तो मिलके बनी होती है, लेकिन वो दो लेयर्स दे एडहेयर सो स्ट्रॉन्गली विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ इतनी बारीकी से जुड़ी हुई होती हैं कि हमें ये दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें दो लेयर्स से मिलके सेल वॉल है, तो उसको हम यूनिटूनिकेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एक इनके आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर है। अगर वो बाइटूनिकेट हैं, किसी किसी केस में बाइटूनिकेट भी होती हैं, तो एस्को का जो इसमें होता है वो एक एपोथीशियम के फॉर्म में होता है, प्लेक्टोमाइसिटिस में। एपोथीशियम हमने पहले डिस्कस किया है, एपोथीशियम एक सॉसर शेप्ड खुला हुआ फ्रूटिंग बॉडी है, वो प्लेक्टोमाइसिटिस का भी कुछ 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 केसेस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद एक क्लास और है लिबोलबेनियोमाइसिटिस। लिबोलबेनियोमाइसिटिस इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत आने वाले सारे फंजाई वो पैरासाइट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं। तो फंजाई की इम्पोर्टेंस आप यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि एनिमल्स और इंसेक्ट्स पर भी ये अटैक करते हैं, और हमेशा आर्थ्रोपोड्स को अटैक करने वाले फंजाई एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स दे बिलोंग टू लिबोलबेनियोमाइसिटिस। एक्सो पैरासाइट्स होते हैं, नॉट इंटरनल बट एक्सटर्नल पैरासाइट्स। थैलस इसमें बहुत रिड्यूस टाइप का होता है, एस्को का हमेशा पेरिथीशियम के फॉर्म में होता है जो कि फ्लास्क शेप्ड है, पेरिथीशियम के फॉर्म में है। इसके बाद हम देखते हैं कि पायरेनोमाइसिटिस, एक इम्पॉर्टेंट क्लास इसका पायरेनोमाइसिटिस भी है एस्कोमाइकोटिना का। इसके अंदर आने वाले फंजाई जो हैं उनमें पेरिथीशियम के फॉर्म में एस्को का फ्रूटिंग बॉडी होती है, और एसआई जो हैं वो हमेशा उनमें पोर हमेशा या स्लिट होगा। एस्को काप में जो एसआई होंगे उनसे एस्को स्पोर्स के निकलने के लिए हमेशा पोर प्रेजेंट होता है टिप में। तो ये इस वजह से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे सारे मेंबर्स एस्को माइकोटिना के जिसमें एसआई के ऊपर एक पोर या स्लिट है उनको हम पायरेनोमाइसिटीज में रखते हैं। इनसे भी एडवांस टाइप के जो फंजाई एस्को माइकोटिना के मेंबर्स हैं उनको हम डिस्कोमाइसिटीज के अंदर रखते हैं। डिस्कोमाइसिटीज एज द नेम इंडिकेट्स डिस्क शेप्ड इसमें फ्रूटिंग बॉडी है। एस्को काप हमेशा एक ऑपरक्यूलेट एपोथीशियम या डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर कई सारे मशरूम्स जिसमें मॉर्केला इंक्लूडेड है वो डिस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। कई सारे एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स एडिबल भी हैं। बेसिडियोमाइकोटिना इसका जो एक और ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि बेसिडियोमाइकोटिना के कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट्स हैं, जो कि पैथोजेंस की तरह से भी काम करते हैं, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके कंट्रास्ट में बेसिडियोमाइकोटिना इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें बेसिडियम की तरह से एक बेसिडियम के फॉर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं और डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट्स इसके अंदर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एडिबल फंजाई भी बेसिडियोमाइकोटिना, फ्लैशी फंजाई भी बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर आते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड करने वाले फंजाई कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेडिसिनली बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। बेसिडियोमाइकोटिना को डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पर तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, टीलियोमाइसिटीज, हाइमिनोमाइसिटीज एंड गैस्ट्रोमाइसिटीज। टीलियोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, उसमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी आपको एक्सटर्नली कोई फ्रूटिंग बॉडी लगी भी नहीं दिखाई देगी। ये पैरासाइट्स होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स के, और इसके केस में टीलियोटोस्पोर्स प्रेजेंट होगा, और ये सोराई के फॉर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर सोरस के फॉर्म में या स्कैटर्ड फॉर्म में इसके अंदर टीलियोटोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। हाइमिनोमाइसिटीज जो दूसरा ग्रुप है इसमें जनरली वो सारे फंजाई आते हैं जो कि फ्लैशी फंजाई हैं, सॉफ्ट फंजाई हैं, या एडिबल फंजाई या मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट फंजाई या मशरूम्स जिनको कहते हैं, उन सबको हमने हाइमिनोमाइसिटीज में
रखा हुआ है, क्योंकि इसमें फ्रक्टिफिकेशन हमेशा एक बेसिडियो का इसमें प्रेजेंट होता है, जो मशरूम का की छतरी जिसको आप कॉमन भाषा में कहते हैं वो एक फ्रक्टिफिकेशन है, वो हाइमिनोमाइसिटीज में आता है। मशरूम जितने आप बरसात में देखते हैं वो वाला पार्ट उसका बेसिडियो काप का पार्ट है। बेसिडिया इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, चार जनरली बेसिडिया होते हैं, और अगर आप इस फ्रक्टिफिकेशन का सेक्शन काटेंगे तो आपको कई सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ दिखेगा, जिसकी डिटेल स्टडी हम बाद में आप इंडिविजुअल जेनरा की स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो सेप्रोफाइट्स की तरह से रहते हैं, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में रहते हैं और बहुत रेयरली पैरासिटिक हैं, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आने वाले फंजाई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इनकी इम्पोर्टेंस है। बेसिडिया हमेशा इसमें डिवाइडेड होते हैं। फ्रेगमो बेसिडिया से मतलब है कि बेसिडियम एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होके इसमें सेप्टेट हो जाता है, तो ऐसे बेसिडिया को हम फ्रेगमो बेसिडिया कहते हैं। अब इसका जो लास्ट क्लास है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोमाइसिटीज। ये इसके अंदर आने वाले जो मेंबर्स हैं या फंजाई हैं वो अंडरग्राउंड, ज़्यादातर अंडरग्राउंड होते हैं। ज़मीन को खोदेंगे तो उसके नीचे से गैस्ट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स बहुत सारे मिलते हैं, और कुछ इसमें से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कई बार लोग इसके इतने फैन होते हैं बिकॉज दे आर एडिबल, लोग इसमें एनिमल्स के का यूज़ करते हैं खोदने के लिए, क्योंकि इनकी स्मेल से एनिमल्स पिग्स या डियर को जंगल में छोड़ते हैं, और जहाँ पर ये ज़मीन के अंदर धंसे हुए होते हैं तो उस जगह पर पिग खोदना शुरू कर देता है ज़मीन को, तो वहाँ से निकाल के ये एडिबल फंजाई जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं वो लोग निकालते हैं और टेबल डेलिकेसी की तरह से यूज़ करते हैं। इसमें बेसिडियो कार्प जो होता है टिपिकली एनजियो कार्पस का मतलब है कि इसमें जो बेसिडियो कार्प है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, और क्लोज्ड बेसिडियो कार्प होता है। बेसिडिया जो हैं वो फ्रेगमेंटेड नहीं होते हैं, फ्रेगमो बेसिडिया नहीं होते, होलो बेसिडिया इसमें होते हैं। अब लास्ट जो इसका क्लास है दैट इज ड्यूटेरोमाइकोटिना। हमने पहले डिस्कस किया था कि ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर वो सारे फंजाई को रखा गया है जिनके बाकी कैरेक्टर्स तो एस्कोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइकोटिना से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें सेक्सुअल स्टेजेस अननोन होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई ही नहीं पड़ता, तो रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होता है। और ये ग्रुप ऐसा है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फंजाई दे बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइकोटिना, और वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई दे बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइकोटिना, जो कि मेडिसिनली भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज भी वो इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई हैं इसके अंदर आने वाले। इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड सीलोमोमाइसिटीज। ब्लास्टोमाइसिटीज में जो ग्रुप है इसमें बडिंग की तरह से सेल्स बनती हैं, और ट्रू माइसिलियम इसमें एब्सेंट होता है ब्लास्टोमाइसिटीज में। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, और स्यूडोमाइसिलियम में भी प्रेजेंट समटाइम्स, लेकिन ट्रू माइसिलियम इसमें कभी नहीं देखने को मिलता, तो वो सारे प्रिमिटिव फंजाई को ब्लास्टोमाइसिटीज में रखा है। हाइफोमाइसिटीज बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि माइसिलियम या हाइफा बहुत वेल डेवलप्ड है, और ये जो माइसिलियम है या तो स्टेराइल होगा या इसमें स्पोर्स कोनिडियर बियर करने वाले माइसिलियम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जेनरा हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए हैं जिसमें माइसिलियम में कभी कोनिडिया बनते ही नहीं है, वो माइसिलियम से ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और स्पोरोफोर्स में भी वेरियसली एग्रीगेटेड। सीलोमोमाइसिटीज वो ग्रुप है जिसमें माइसिलियम वेल डेवलप्ड है, स्पोर्स पिकनीडिया या एसरबुलस जिनको हमने पहले देखा है, ये स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज हैं, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज हैं, पिकनीडिया के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या एसरबुलस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो वो सारे फंजाई जिनमें पिकनीडिया प्रेजेंट हैं या एसरबुलस
प्रेजेंट है उनको हमने सीलोमोमाइसिटीज के अंदर रखा है। तो ये एक क्लासिफिकेशन, नया क्लासिफिकेशन है, रिसेंट क्लासिफिकेशन, क्योंकि जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, आपने देखा 1623 में बोहिन ने सिर्फ 100 फंजाई के बेस पर क्लासिफाई किया था फंजाई को। उसके बाद इतने सालों में कई क्लासिफिकेशन आए, कई तरह के क्लासिफिकेशन लोगों ने दिए, और कुछ क्लासिफिकेशन कुछ टाइम तक एक्सेप्ट लोगों को हुए और उसके बाद वो आउटडेटेड माने गए, क्योंकि उनके क्राइटेरिया लोगों को लगा कि ये सही नहीं है। फिर नए नए क्लासिफिकेशन आए, आज तक हम जो क्लासिफिकेशन सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो एलेक्सोपोलस और आइंसवर्थ का पढ़ते हैं, लेकिन एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो 1996 में लोगों ने दिया, एलेक्सोपोलस और मिम्स ने ही वो क्लासिफिकेशन, एक नया क्लासिफिकेशन दिया, जिसके बेस पर उन्होंने कहा कि हम इसकी फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब है कि इनका इवोल्यूशन, इसमें जो फंजाई क्या साथ साथ इवॉल्व हुए, इस रिलेशनशिप के बेस पर क्लासिफिकेशन किया, जिसके बेस पर इन्होंने फंजाई को ट्रू फंजाई में डिवाइड किया है और उसके अलावा स्टेम एनिपिला में डिवाइड किया है और